हाय एवरीवन, दिस इज शैल। तो शैल आप सबके लिए लेकर ये गुड़ मुठिया जो कि एक लॉस्ट रेसिपी है। ये रेसिपी काफ़ी टाइम से खो चुकी है, तो इस रेसिपी को बेसिकली मैंने अपनी ग्रैंड मदर की फ्रेंड है जो कि गुजरात में रहते हैं उनसे ली है। ये रेसिपी हमारी गुड़ मुठिया के नाम से फेमस है। इसे हमें बनाने के लिए बेसिकली हमें व्हीट फ्लावर जो कि आटा होता है और साथ में इसमें हमें डालना होता है गुड़। गुड़ और उसकी जब हमारी रेसिपी बन जाती है तो हमें इसके ऊपर हमें घी पोर करना होता है, जिससे बहुत ही हेल्दी रेसिपी बनती है। आज के टाइम में इस रेसिपी को लगभग सब लोग भूल ही गए हैं। आजकल लोग जिस तरह मोमोज के फैन हो गए हैं, सेम प्रोसेस होता है इसका, बट मोमोज जितना अनहेल्दी होता है उतना ये हेल्दी होता है, स्वीट होता है। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आए। थैंक यू। तो देख सकते हैं इसकी प्लेटिंग कुछ इस तरह से मैंने की है, बिल्कुल जैसे हमारी ओल्ड रेसिपी होती है। और इसकी प्रिपरेशन भी हमने ओल्ड मेथड से करी है, बिल्कुल पुराने तरीके से। ये देखिए मैंने अपना एक डो बना लिया है, साथ में मैंने अपना गुड़ को ग्रेट कर लिया है। अब हम लेंगे कढ़ाई जो कि हमने मिट्टी की ली है, साथ ही इसमें ऐड कर देंगे पानी। वैसे इन्हें हम मिट्टी के चूल्हे पे उपलो का प्रयोग करके से बनाया जाता था पहले के टाइम में। और जो हमारा डो हमने बना के रेडी करा था, इसके हम बनाएंगे मुठिया। तो ये देख सकते हैं इसको हम राउंड अप करेंगे, बिल्कुल इसके अंदर जो फिलिंग आएगी वो गुड़ की आएगी। और यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनती है। ये गुजरात कच्छ की रेसिपी है जो कि अभी विलुप्त हो चुकी है। मेरा बनाने का मोटिव यही था कि आज की जनरेशन को जाने। तो चलिए देखिए हमारा पानी भी गर्म हो चुका है। इसे हम स्टीमर बिल्कुल ही ओल्ड तरीके से करेंगे, पुराने पारंपरिक तरीके से, जिस तरह से मैंने इसमें घास रख दी है। अब साथ ही अपनी जो भी मुठिया बची हैं उसको रेडी कर लेते हैं। देखिए सेम प्रोसेस आपका रहेगा मुठिया बनाने में, इसी प्रकार हम सारी अपनी मुठिया रेडी कर लेंगे। तो देखिए हमारी सारी मुठिया रेडी हो गई है। चलिए इसे कर लेते हैं हम स्टीम। तो इसके हम लगाएंगे भाप जो कि बिल्कुल पारंपरिक रूप से है। आप देख सकते हैं इसको मैंने घास के ऊपर भाप लगाई है जो कि 15th century में होती थी। साथ ही हम रेडी कर लेते हैं अपनी गुड़ की चाशनी। तो थोड़ा सा इसमें डालेंगे पानी और अपना इसमें गुड़ ऐड कर देंगे। हमें चाशनी एकदम लिक्विडी नहीं चाहिए, थोड़ा सा इसे थिक चाहिए। ये देखिए हमारी चाशनी बनकर रेडी हो गई है। तो चलिए देख लेते हैं अपने गुड़ मुठिया। तो गुड़ मुठिया भी अच्छे से हो गए हैं कुक, आप देख सकते हैं। इसे निकाल लेते हैं वन बाय वन करके। और जो ये मैंने पत्ते लिए हैं, ये शाल के पत्ते होते हैं, उस टाइम में इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन था। तो इस टाइप में इसका क्या एक फ्लेवर भी आता है हमारी डिश में जो बहुत टेस्टी लगता है। चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। हम अपनी गुड़ की चाशनी डालेंगे और उसके ऊपर अपने गुड़ मुठिया, जो गुड़ मुठिया होती है उसको रख लेंगे। साथ ही इसके ऊपर पोर करेंगे अपना हम घी। ये देखिए घी जिस तरह से मैं इसमें डाल रही हूँ, यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनती है ये। और इसके हम प्लेटिंग कर देंगे फ्लावर से, जैसे हमारे पुराने ज़माने में हुआ करती थी। और इसमें थोड़ा सा हम डाल देंगे अपना गुड़ का चाशनी एक फ्लेवर देने के लिए। आप देख सकते हैं हमारी गुड़ की मुठिया बनके रेडी हो चुकी है, जो कि 15th century की डिश है, एक पुराने ज़माने की। तो चलिए इसे कट करके देख लेते हैं। वाओ, आप देख सकते हैं जो हमने फिलिंग इसमें करी थी पूरी मेल्ट हो गई है, देखिए कितना टेस्टी है। तो चलिए इसे टेस्ट कर लेते हैं। इट्स वेरी यम, इवन मैंने फर्स्ट टाइम खाया, बहुत टेस्टी बनिया। थैंक यू।